और ये हमारे ऊपर भारी पड़ेगा। हमको ट्रोल मीम्स हमको देखना पड़ता है। जो इंडिया ने 130 करोड़ लोग है हमको ट्रोल करता है। देखो आप इंग्लैंड भी 9 नंबर 10 नंबर पे, कोई चूतिया सा उन लोगों को तो नहीं ट्रोल करता है। आते हैं किसके ऊपर? बांग्लादेश के ऊपर। हम 9 नंबर पे 10 नंबर पे तो नहीं है, फिर भी क्यों हमको ट्रोल करते? और भी टीम है, पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं। इतना ट्रोल हमको एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो डिसअपॉइंट होते हैं मेरे ख्याल से सपोर्टर्स होते हैं। कोई प्लेयर के ऊपर कुछ नहीं होता है, वो अच्छा नहीं खेलेगा सैलरी मिलेगा 8-9 लाख का महीने, एक महीने में मिलता है उन लोगों को। कोच लेके आया है जो भी है ले आया है, 8 साल से एक ही बोर्ड प्रेसिडेंट है बोर्ड में, तो कैसे सुधरेगा? कैसे जब 8 साल से एक बोर्ड प्रेसिडेंट रहेगा जो कभी क्रिकेट तक नहीं खेले है, तो वो कैसे मैनेज करेगा टीम को? हाँ बात हुआ, देखिए हमारा बांग्लादेश का जो तमीम इकबाल है बड़ा अच्छा बैट्समैन है, वो ओपनिंग करते हैं, मगर उसको लेके जो है पहला हमारा प्राइम मिनिस्टर वो अफसर कर लिए थे, रिटायर किए थे क्रिकेट से, उसको बताया गया कि आप लोग अब जो है अब क्रिकेट खेलिए। तो वो वापस जब आए तो बांग्लादेश जो है उसे दो नंबर ही किया, उसको टीम में नहीं लाया। ओपनिंग उनको नमाने का बात है, बताया गया आपको 9 नंबर में नमाया जाएगा, तो वो बोले हम भाई 9 नंबर में नहीं नाम सकते, हम शुरू से खेलते आए हैं ओपनिंग में, अभी भी ओपनिंग नामेंगे हम, इसका लेकर उसको लिया नहीं गया। आज जो बांग्लादेश का ये हाल है, एकमात्र तमीम इकबाल के लिए ऐसा अवस्था हो रहा है। आज तमीम इकबाल जो रहता तो अच्छा बांग्लादेश कुछ कर सकता। नहीं तो बाकी जो 11 प्लेयर्स हैं क्या इनमें एबिलिटी नहीं है? इसमें है, उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए इन लोगों का, मैंने अभी भी उस तरह का, मैंने नया प्लेयर है, ये एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है आपका। एक्सपीरियंस प्लेयर जरूरत होता है आपका वर्ल्ड कप में, वैसा आपको वर्ल्ड कप खेलना है, इंटरनेशनल मैच खेलना है, पूरा वर्ल्ड का सब प्लेयर रहेगा तो आपको अच्छा अच्छा सब मैंने पुराना प्लेयर रहना पड़ेगा। नया को आप एक दो चांस दिए मगर ज्यादा सर नया है यहाँ पर, तो कैसे करके वो बांग्लादेश आगा सकेंगे? आप मुझे बताओ क्या ये तमीम और शाकिब की लड़ाई वाकई बांग्लादेश के बहुत महंगी पड़ी है, क्या कहोगे? नहीं, उस चीज़ के बारे में तो ये है कि वो तो आपको ग्राउंड के अंदर ही शो हो रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर तमीम ओपनिंग करता जिस हिसाब से वो पहले क्रिकेट खेलता था तो आई थिंक 280-270 ये बांग्लादेश अचीव हर मैच में करता, लेकिन जब से तमीम इकबाल इस टीम से ड्रॉप हुआ है ये टीम 220 पे जाके रुक रही है। वही सामने दिखाई दे रहा है कि तमीम इकबाल की कमी इस टीम को कितनी महसूस हो रही है। नहीं, कमी तो एक प्लेयर की 11 बाकी तो है, तो ये 6 मैच हार गए यार, ये तो देखो ना। वो बात तो है बिल्कुल, तो अब यही है कि जो मेन प्लेयर होगा जिसको वर्ल्ड इतना एक्सपीरियंस होगा क्रिकेट का, वो वर्ल्ड कप में नहीं होगा, आपकी प्लेइंग 11 में नहीं होगा, तो आप कैसे जीतेंगे? बांग्लादेशी टीम के अंदर इश्यूज क्या हैं, क्या कहोगे? बांग्लादेश टीम के अंदर अभी इश्यूज है जो मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो बहुत अच्छा टीम था बांग्लादेश का, पर अभी नहीं है। जब बांग्लादेश का मतलब कैप्टन मशरफी था तब बहुत अच्छे खेल रहे थे, बिकॉज मैनेजमेंट सब कुछ ठीक था, बट मशरफी जाने के बाद अभी जो हमारे कोच है हथुरी सिंह और जो सिलेक्टर्स है उनको अगर आप देखें उनका कैरियर बहुत अच्छा नहीं था, 150s बहुत अच्छे नहीं थे, दे आर नॉट गुड प्लेयर्स बट दे आर आवर सिलेक्टर्स, दे आर आवर टीम मैनेजमेंट। हाँ, टीम के अंदर ही कुछ मसला हो गया। अभी कुछ दिन पहले ये नहीं था, अभी मतलब सिलेक्टर की वजह से और टीम के अंदर कुछ प्लेयर के मतलब तामीम सगीब को कुछ पसंद नहीं करते, सगीब तामीम को पसंद नहीं करते, तामीम अभी वर्ल्ड कप से बाहर है, तो सब कुछ मिला के टीम कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर हम आपको ठीक से नहीं चाहते और प्लेयर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है तो मोटिवेशन नहीं आता। आपको लगता है कि तमीम इकबाल का ना होना वो नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है। अगर आप हमारी ओपनिंग देखें, ओपनिंग तमीम इकबाल की जगह तंजीम तमीम खेल रहे हैं, एक भी 50 नहीं है और बहुत ही बुरा खेल रहे हैं। तमीम बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलते हैं, अगर वो होता तो कुछ और हो सकता था, क्योंकि आप देखें अगर ओपनिंग अच्छा हुआ तो उसके साथ साथ बहुत कुछ अच्छा होता है, पर बांग्लादेश का पिछले अगर आप कुछ मैच देखें तो ओपनिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, एक भी मैच में नहीं। अगर ओपनिंग अच्छा होता तो और भी प्लेयर है उनके अंदर मोटिवेशन आता। आप ओपनिंग में हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर है नहीं, कोई एक तो प्लेयर होना चाहिए था जो स्टार्ट अच्छा करे, कोई स्टार्टिंग अच्छा नहीं होगा तो गेम कैसे आगे बढ़ेगा? स्टार्टिंग में 2-4 विकेट गिर रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। और टीम का जो मोटिवेशन था वो वर्ल्ड कप आने के 2 दिन पहले एक हादसा हुआ था तामीम शाकिब इशू का, जिसमें तामीम को स्क्वाड से निकाल दिया था, इसमें शाकिब का हाथ था, उन्होंने पसंद नहीं करते, नहीं आने देंगे, वो खेलेगा, शाकिब बोला भाई मैं खेलूँगा नहीं तो तामीम,
इस इशू में तो शाकिब को पहले खेलने देगा, वो वर्ल्ड ऑलराउंडर है। सीनियर प्लेयर्स की लड़ाई ही टीम को महंगी पड़ी है या कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं? कॉम्बिनेशन बहुत सही था, जो यंगस्टर और ए ओल्डर ऐसा कुछ नहीं होता है क्रिकेट में, जो अच्छा खेलता है उसको मौका मिला, प्लेयर अच्छा है, लेकिन इशू हो गया कि टीम के अंदर मोटिवेशन नहीं है जो मोटिवेशन होना चाहिए था। क्योंकि एक दो दिन पहले एक हादसा हुआ जिसके बारे में टीम के अंदर ही थोड़ा पार्टीशन हो गए, इसके लिए तो मोटिवेशन डाउन हो गया प्लेयर का। और सब मेंटली फ्रेश होना चाहिए तब ना फोकस आएगा बैटिंग पे, बॉलिंग पे, फील्डिंग पे। जब आपका मेंटली आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपको ऐसे वो नहीं मिलेगा अंदर से। पहले ये बताओ बांग्लादेशी टीम के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इतना बुरा क्यों खेले आज? सर बांग्लादेश के साथ जब भी कोई बड़ी मैच आती है, कोई बड़ी टीम आती है उसके अगेंस्ट, तो वो कोलैप्स कर जाते हैं। शुरुआत तो अच्छा किया उन्होंने लेकिन वो बाद में जाकर वो कोलैप्स कर गए। और दूसरी चीज़ पाकिस्तान का तो ये मैं पिछले कई दिनों से कई टूर्नामेंट में देख चुका हूँ, जब तक गिरने के बाद ही वो टीम उठ पाती है। आज फखर की जोड़ी बहुत अच्छा डिसीजन, इमाम को ड्रॉप करना बहुत अच्छा, सलमान आ गए एक ऑफ स्पिन के तौर पे भी उन्होंने शामिल किया क्योंकि कपल ऑफ लेफ्ट हैंडर्स बांग्लादेश की टीम में है, तो ये अच्छा डिसीजन था टीम मैनेजमेंट का, राइट प्लेस सही खिलाड़ियों को चूज किया उन्होंने। और पाकिस्तान आज बहुत अच्छा खेली, स्पेशली फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक को होप है कि ये टीम सेमीफाइनल में जाएगी? सर सेमीफाइनल के चांसेस तो मुझे बहुत कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि न्यूजीलैंड को तीनों गेम हारना है, दो हारने हैं सर मेरे ख्याल से, शायद तीन है पाकिस्तान और एक साउथ अफ्रीका से उनका शायद गेम बाकी है। अगर वो तीनों उलटफेर होती है तो चांसेस है पाकिस्तान के वो सेमीफाइनल में जा सकते हैं। आप बताओ क्या हुआ बांग्लादेश को, क्या हुआ पहले ये बताओ? बांग्लादेश की बैटिंग वीक हो गई है और बॉलिंग कुछ खास लड़ाई का चक्कर तो नहीं है? नहीं ये कुछ खास नहीं है, बट वो लोग कंसिस्टेंट अच्छा क्रिकेट नहीं खेले, इस वजह से बांग्लादेश हार जा रही है। क्योंकि बांग्लादेश को अच्छा बैटिंग करने का दरकार है, बॉलिंग भी ठीक ठाक कर ही लेता बट बैटिंग क्लैप्स कर रहा है उनका, इस वजह से वो हार जा रही है। बांग्लादेशी टीम का आपको क्या प्रॉब्लम दिखाई दिया, इतना बुरा खेली है यार? और ये वो आपको क्या लगता है शाकिब और तमीम वाला इशू है, आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए एज एन इंडियन मैं एक ही बात बोलूंगा, मैं तमीम इकबाल का बहुत बड़ा फैन हूँ ठीक है, बट मेरा हार्ट ब्रेक हो गया जब उसको उसकी रिटायरमेंट वापस करवा के उसको टीम में नहीं लिया गया, ये बहुत दुख की बात है। पॉलिटिक्स पूरा खत्म कर रहा है क्रिकेट को, बांग्लादेशी क्रिकेट को यही नहीं होनी होना चाहिए। और ये जो छह मैचेस हारे हैं, इतनी टीम तो बुरी नहीं थी अगर ऑन पेपर देखा जाए तो? बिल्कुल बुरी नहीं है, 20 साल से क्रिकेट खेल रही है, अच्छे अच्छे टीमों को हराया उन्होंने, व्हाइट वॉश किया घर पे, बट पता नहीं क्या हो गया अचानक से, आपस का कॉन्ट्रोवर्सी बोलिए पॉलिटिक्स बोलिए जो भी, ये बर्बाद कर रहा है टीम। सर आप मुझे बताएं क्या हुआ है? বাংলাদেশ আসলে আমাদের হতাশ করছে, যেটা খেলাটার দরকার ছিল সেভাবে বাংলাদেশ খেলতে পারে নাই। প্রথমে আর্লি উইকেট পড়ছে ফার্স্ট হাফে, বাংলাদেশে খুব দ্রুত উইকেট পড়ে গেছে যার কারণে টোটালটা অনেক কম হয়েছে এবং এটা ইজিলি পাকিস্তান ওভারকাম করছে, পাকিস্তান তো অনেক স্ট্রং টিম। क्या कहा है भाई बताइए, इन्होंने कहा है इनको बहुत तकलीफ हुआ बांग्लादेश का, अचानक से ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है, परफॉर्मेंस इतना हुआ है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के खिलाफ हारे वो अलग सी बात है, बट नेदरलैंड से नेदरलैंड ही हार लो अपना खूब ही खराब लीग है ये एक्सपेक्टेड नेदरलैंड से हार के लिए। बांग्लादेश আসলে যে ক্রিকেটটা খেলছে যে লেভেলে ক্রিকেট খেলছে এই মুহূর্তে আমরা বাংলাদেশের ফ্যান হিসেবে এটা অ্যাকসেপ্ট করি না, কারণ হচ্ছে নেদারল্যান্ডের কাছে যে হারছে যে ম্যাচটা অত্যন্ত আমরা আপসেট এই গতদিনের ম্যাচ নিয়ে, বাট আজকে হয়তো আমরা হারবো এটা জানতাম কারণ পাকিস্তান অনেক স্ট্রং টিম, সো গতদিনকার যে ক্রিকেটটা খেলছে বাংলাদেশ এটার জন্য আমরা পুরো বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আপসেট। ইনকে কেনে কা মতলব হ্যায় কি পাকিস্তান সে হারে পাকিস্তান স্ট্রং টিম হ্যায় এক্সপেক্টেড থা ঠিক হ্যায় পারফরম্যান্স দিতি ও অলগ বাত হ্যায় বাট নেদারল্যান্ড ওয়ালা হার ইয়ে এক্সপেক্ট নাই কর রহে থে ইয়ে ইনকো মতলব অ্যাস্টোনিশ কর দিয়া মতলব হ্যায়রান কর দিয়া ইয়ে কেনা চাহতে। अच्छा हम बता रहे हैं हम लोग बांग्लादेश से आए हैं बांग्लादेश का क्रिकेट खेला देखने के लिए, मगर बांग्लादेश का ऐसा बुरा हाल बहुत तकलीफ पहुंचा, आज बांग्लादेशी बहुत सा आदमी बांग्लादेश से आया। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, हमने भी अपने चेयरमैन को बहुत सुनाते हैं, 8 साल से बैठा हुआ है ना, बोर्ड भी तो चेंज नहीं हो रहा आपका, ये भी तो वजह हो सकती है। बात हुआ हमारा बांग्लादेश टीम में हो गया है, अब राजनीति चल रहा है, ये राजनीति जब तक मैंने खत्म नहीं होगा इसमें तरक्की नहीं होगा। हमारा रिक्वेस्ट रहेगा आपका माध्यम से जो बांग्लादेश का जो क्रिकेट सही रखना है तो हर तरह का राजनीति पॉलिटिक्स इसको आउट करना होगा, तब जो है बांग्लादेश आगे बढ़ेगा। थैंक यू भाई।